24 फरवरी 2022 की एक सर्द सुबह दुनिया उस वक्त हिल गई जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का ऐलान कर दिया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन के रिश्ते कभी भाई जैसे हुआ करते थे, लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद और पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के बाद इन दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गईं। अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन में सरकार बदलकर रूस के लिए चुनौती खड़ी कर दी। पुतिन ने सालों तक इंतजार किया, लेकिन जब यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने के करीब पहुंचा, तब रूस ने जंग का ऐलान कर दिया। विशेषज्ञों का मानना था कि ये युद्ध पुतिन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होगा, लेकिन क्या हुआ? 2 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी रूस न केवल इस युद्ध में डटा हुआ है, बल्कि अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में सफल रहा है। रूस न केवल पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना करता रहा, बल्कि उसने ऊर्जा और व्यापार के नए रास्ते खोजे। उसने चीन, भारत और मध्य एशियाई देशों के साथ गहरे रिश्ते बनाए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बूम करने लगी। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार हैं। आज भी रूस यूरोप को गैस सप्लाई करता है। रूस की गैस पाइपलाइनों का जाल यूरोप में फैला हुआ है, जिससे पश्चिमी देशों की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं, चाहे वे प्रतिबंध लगाने का दावा क्यों न करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रूस की सैन्य ताकत और कुछ सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में जानेंगे, जिसने पश्चिमी देशों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस की मिलिट्री दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक है। रूस के पास करीब 1,15,00,000 सक्रिय सैनिक हैं और 2030 तक इसे 2 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जो युद्ध के लिए हर समय तैयार रहते हैं। रूस की सेना 3 प्रमुख हिस्सों में बटी है, ग्राउंड फोर्स, एयर फोर्स और नेवी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स और एयरबॉर्न फोर्स जैसे स्वतंत्र सैन्य बल भी रूस की ताकत में इजाफा करते हैं। 2013 में रूस ने स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का गठन किया था, जो महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक हमले करने में माहिर है। युद्ध की शुरुआत से पहले रूस का सालाना सैन्य बजट $65 बिलियन था, लेकिन अब यह $100 अरब से अधिक हो गया है। रूस पुराने सोवियत हथियारों को भी अपग्रेड कर नए सिरे से इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसकी ताकत और बढ़ी है। रूस के पास लगभग 6,000 परमाणु हथियार हैं, जिनमें सबसे खतरनाक बम 100 मेगाटन का है। रूस के इस जार बम को दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम माना जाता है, जो अमेरिका के सबसे बड़े बम से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 1961 में इसका परीक्षण किया गया था, हालांकि परीक्षण के दौरान इसे 50 मेगाटन पर सीमित कर दिया गया। फिर भी यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3,800 गुना अधिक विनाशकारी था। अगर इसे जमीन पर गिराया जाता तो आसपास के इलाकों में भयंकर भूकंप आ सकता था। रूस के पास किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यानी 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। यह मिसाइल रडार सिस्टम को चकमा देकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। किंजल मिसाइल को MiG-33 फाइटर जेट से दागा जाता है, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के बाद पलक झपकते ही वापस लौट सकता है। इस मिसाइल का उपयोग रूस ने यूक्रेन के खिलाफ भी किया था, जिसने नाटो देशों में दहशत फैला दी। समुद्री ताकत के मामले में भी रूस ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। रूस की बेलगोरोड पनडुब्बी दुनिया की सबसे लंबी और खतरनाक पनडुब्बी मानी जाती है, जो परमाणु टॉर्पीडो से लैस है। इस टॉर्पीडो की क्षमता 2 मेगाटन है, जो हिरोशिमा बम से 130 गुना अधिक विनाशकारी है। 2019 में इसका सफल परीक्षण किया गया था और 2022 में इसे रूसी नौसेना में शामिल किया गया। यह पनडुब्बी गहरे समुद्र में रहकर किसी भी देश के तटवर्ती इलाकों पर हमला कर सकती है और इसे ट्रैक करना लगभग असंभव है। रूस के पास 2 S-7 पायन तोप भी है, जिसे सोवियत एटॉमिक तोप कहा जाता है। यह तोप 37 किलोमीटर दूर तक परमाणु गोले दाग सकती है और सिर्फ 5 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाती है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था। रूस ने इस तोप को
यूक्रेन के कीव शहर के पास तैनात किया है, जिससे नाटो देशों में घबराहट फैल गई। इसके अलावा रूस के पास बीएम पिनेपिन ग्रैड मिसाइल लॉन्चर का भी विशाल जखीरा है, जो कुछ सेकंड में 40 मिसाइलें दाग सकता है। इसके पास कुल 8000 से अधिक ऐसे लॉन्चर हैं जो किसी भी युद्ध क्षेत्र में भारी तबाही मचा सकते हैं। इस युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इनका कोई खास असर नहीं हुआ। रूस ने चीन और भारत जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत किए और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा। इसके विपरीत यूक्रेन को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है, और नाटो की हथियार आपूर्ति के बावजूद वह युद्ध में टिक नहीं पा रहा है। अमेरिका और नाटो ने रूस से सीधे टकराने का जोखिम नहीं लिया, क्योंकि रूस की परमाणु ताकत और हाइपरसोनिक तकनीक से टकराना आसान नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि रूस आज भी एक बड़ी वैश्विक शक्ति है। 2 साल से अधिक समय से चल रहे इस संघर्ष में रूस ने अपनी तकनीकी और सैन्य क्षमता से दुनिया को चौंका दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में यह संघर्ष क्या मोड़ लेता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि भारत को इस वैश्विक संघर्ष में किसका साथ देना चाहिए। रूस, जो दशकों से भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है, या अमेरिका, जो भारत का नया रणनीतिक सहयोगी बनता जा रहा है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।